प्रिया चक्रवर्ती ने दी फैंस को गुड न्यूज, सुशांत सिंह के परिवार को भी लगा बड़ा झटका। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर पूरा सच क्या है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में आई ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती साल 2021 में कमबैक करने जा रही है। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त और राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी ने इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि रिया के लिए ये साल एक ट्रामा से भी ज्यादा था। अगले साल की शुरुआत में वो फिर से वापसी करेंगी। रूमी जाफरी ने इंटरव्यू में बताया कि ये साल उनके लिए ट्रॉमेटिक रहा। हालांकि ये साल हर किसी के लिए काफी दुखद था, लेकिन उनके मामले में ये एक अलग तरह से ट्रामा रहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली एक लड़की को एक महीने तक जेल में रखा गया। ये पूरी तरह से उनका मोरल तोड़ने वाला था। रूमी जाफरी ने आगे ये भी कहा कि रिया अगले साल की शुरुआत में कमबैक करेगी। रिया के जेल से आने के बाद रूमी ने रिया से मुलाकात की और उनसे कहा कि इंडस्ट्री खुले हाथों से रिया का स्वागत करेगी। रूमी जाफरी ने ये भी कहा कि मैं उनसे हाल ही में मिला, वो सबको छोड़ चुकी है, उसने ज्यादा बात नहीं की जिससे वो गुजर कर आई है, उसके बाद उस पर आरोप नहीं लगा सकते। मुझे पता है कि रिया को काफी कुछ कहना होगा, लेकिन रिया अभी इस हाल में नहीं है कि किसी से अपना दर्द बयां कर सके। तो ये है पूरी सच्चाई, जहां पर खुद रूमी जाफरी ने दिया स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती को लेकर कि बहुत जल्द साल 2021 में रिया चक्रवर्ती नजर आएगी अपनी एक नई फिल्म में, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लगा है काफी झटका कि रिया चक्रवर्ती का करियर आज भी वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, बल्कि सुशांत के जाने के बाद और सुशांत से नाम जुड़ने के बाद रिया को काफी ज्यादा पहचान मिली है और अब रिया को फिल्मों में लाने के लिए और फिल्म को हिट करवाने के लिए रिया चक्रवर्ती को फिल्में मिल रही है, उसका करियर बन रहा है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी इंसाफ नहीं मिला और ना ही सुशांत सिंह राजपूत केस पर कोई अपडेट है। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।